नमस्ते जी, मैं गणपतलाल गर्ग बोल रहा हूँ। भीलवाड़ा जिले से आया हूँ मैं। और 2006 में भीलवाड़ा कहाँ? भीलवाड़ा राजस्थान में। अच्छा। मैं 2006 में गाय रखता था, गाय बांध रहा था। गाय बांधते हुए मेरे को एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं गिर जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ मैं, बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ मैं, खड़ा नहीं हुआ गया मेरे से। अरे अंकल बस कुछ यहाँ तक कि मैं अहमदाबाद भी गया, सभी जगह घूमता फिरा। लोगों ने यही कहा ऑपरेशन करवा लो, पर मेरे दो तीन मित्र हैं उन्होंने ऑपरेशन करवाया। उनसे मैंने पूछा क्या आप जल्दी चल सकते हो, क्या पालती मार सकते हो, क्या आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो। सबने मना किया, नहीं सिर्फ दर्द नहीं होता। मैंने फिर ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और आज 8-9 साल से मैं कहीं किसी के पास भी नहीं गया किसी तरह का। यहां भीलवाड़ा से मेरे छोटे भाई ने ये बताया कि पंचानंद गर्ग ने कि मैडम कही है वहां, और वहां उन्होंने उसको इलाज करवाया है, बहुत अच्छा इलाज किया है। मैं यहाँ 8 रोज हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, और मुझे इतना बढ़िया लगा। मेरी छोटी बहन है जैसे वैसे मुझे ट्रीट किया है उन्होंने। और यहाँ न तो दवाई है, न इंजेक्शन है, न ऑपरेशन है, न कोई चीरा फड़ा है, न कोई गोलियां दवाइयां है, कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ का करवाते हैं इनका। ये हाथ में को पांव को ऊपर करके नीचे करके कभी बायां कभी दायां, मतलब कहना का ये है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई चीरा फाड़ी वगैरह या अन्य कोई नहीं होता। मैं काफी दिनों से परेशान था और मेरी एज इस वक्त 80 साल की है, और 80 साल के अंदर ये आते जब प्रथम बार इन्होंने मेरे को देखा, इन्होंने कहा आपका इतना लंबा टाइम हो गया है, आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, जितना कर सके उतना तो करिए। लेकिन इन्होंने मेरे साथ जो ट्रीट किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सेवा करते रहिए लोगों की और आप उन्नति पर चढ़ते रहिए।